मामला रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर मोहल्ले के निकट अन्नू डेरी के पास का है, जहां नीलम त्रिपाठी, पत्नी चंद किशोर त्रिपाठी व सुनीता सचान ने एक प्लाट खरीदा और उसमें निर्माण कार्य करा रही थी। तभी रमेश बहादुर सिंह अपने गुर्गों के साथ महिला के प्लॉट पर पहुंचकर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए कहा। जब महिला ने काम रोकने से इनकार किया तो तथाकथित दबंग किसान नेता मारपीट पर आमादा हो गए और उसने डंडे से महिला पर हमला बोल दिया, जिससे महिला का हाथ टूट गया। इसके साथ ही किसान नेता ने धमकी दी कि बगैर 5 लाख रुपये दिन अगर जमीन में निर्माण करवाया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित महिला ने आज जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने जानमाल की सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है। मैडम, क्या नाम है, कहां से आई, क्या समस्या है? मैं नीलम त्रिपाठी लालगंज से आई हूं और मेरी समस्या यह है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा था जो भूम रही जमीन थी और हम दोनों लोग सुनीता सजान और हम नीलम त्रिपाठी मिलकर ली थी और उस पर भूम रही जमीन पर 20 रास्ता के लिए मांग कर रहे थे। तो हमने कहा कि आप वो रास्ता जब प्रशासन द्वारा हो जाएगा तो आप लीजिएगा, लेकिन उस पर उन्होंने रंगदारी मांगी और बोले कि कितनी रंगदारी मांगी, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी और बोले कि अगर नहीं दोगी तो हम सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कल प्लॉट पे धमकी थी, अगर नहीं कुछ होगा तो हम 40 लोग को बुला के तो यहाँ ला से भिजवा दूंगा। सर, कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लालगंज क्षेत्र का है, जिसमें एक तथाकथित नेता, लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं उनको किसान नेता बताया जा रहा है, और उनका है कि प्लॉट पे रंगदारी और कब्जेदारी को लेकर के दूसरे पक्ष को धमकाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, लालगंज का एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो रहा है और विवाद के पीछे कोई जमीनी मामला है जिसमें बीच के रास्ते को ले जाके दोनों पक्षों का विवाद है। पूरी जाँच के लिए CO लालगंज को बता दिया गया है, उसमें जाँच कराई जाएगी और जो भी उसमें तथ्य सहित आ जाएगा उसमें हम लोग अभी नहीं जा पाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।